तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किन्हीं भी दो डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर कैसे बहुत ही जल्दी पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक 46 नंबर लिया, अब हमको इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमको दोनों ही नंबर का पहले स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होगा 36। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको जो करना है वो ये करना है कि इन दोनों का यानी कि 4 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 6 की आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा हमारे पास वो 24 आएगा। अब अगले स्टेप में जो है हमको इस 24 का डबल करना है, मतलब पहले स्टेप में दोनों ही नंबर का स्क्वायर करना है, जैसे 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 लिखा मैंने। ठीक है, फिर अगले स्टेप में इस 4-6 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई जो भी आई उसका जस्ट डबल करना है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 24 आई है, तो 24 का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो ये हो जाएगा 48। अब इस 48 को हमको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर हमको ये यूनिट डिजिट छोड़ कर लिखना है। तो यानी कि 48 को मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। अब इसके बाद सिंपल सा इनको ऐड कर दीजिए और आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका 46 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 6 और यहाँ 0 कर लीजिए, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 3 11, 1 यहाँ पर लिखा मैंने, 1 यहाँ कैरी आ गया। तो 6 प्लस 4 10 और 1 11, 11 फिर से 11 का 1 लिखा और 1 कैरी, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि 2116 ये हमारा 46 का स्क्वायर है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक और एग्जांपल के साथ सीखते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 45। अब मुझे क्या करना है, इस 45 का अलग अलग स्क्वायर करना है दोनों ही डिजिट्स का। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना था हमको, इन दोनों ही नंबर की आपस में मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 20 का डबल क्या होता है 40। तो उस 40 को हमको कैसे लिखना है, वन यूनिट डिजिट छोड़ के, तो यानी कि 40 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अगले स्टेप में, ऐड करना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 लेट करके आप ऐड कर लीजिए। तो 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 4 0 और 0 यहाँ पर 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, तो 2025 ये हमारी जो है 45 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये जो है मेथड 1 था स्क्वायर को फाइंड करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाऊंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।